हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं न्यू डिजाइन लेकर आई हूँ। ये बहुत ही आसान है बनाने में। इस डिजाइन को आप कारीगर स्वेटर, बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। ये डिजाइन सिर्फ 12 रोज का डिजाइन है। आपको 1 से 12 रोज तक ही रिपीट करना है। इस डिजाइन को बनाने के लिए मल्टीपल ऑफ 4 + 3 एक्स्ट्रा स्टिच + 2 एज स्टिच में फंदा लेना होगा। मल्टीपल ऑफ 4 + 3 + 2। रॉन्ग साइड पर ऐसे दिखता है। इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 4 3 × 4 + 3 एक्स्ट्रा स्टिच + 2 एज स्टिच करके टोटल 17 फंदा डाला है। फर्स्ट रो आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं, एक फंदा स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब एन ओवर एक फंदा सीधा करना है। धागा पीछे, एन ओवर एक फंदा सीधा। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है। इसलिए फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है। 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। फिर एक बार पीछे से एन ओवर, फिर लास्ट में एक फंदा सीधा। फिर से रिपीट करना है। धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। फिर धागा पीछे एक बार एन ओवर, फिर एक फंदा सीधा। यहाँ तक 2 बार रिपीट हुआ है। और फिर से एक बार रिपीट करना है। धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब एक बार एन ओवर, फिर एक फंदा सीधा। यहाँ तक 3 बार रिपीट हुआ है। स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में आपको ये 4 फंदा बचेगा। इस 4 फंदा को धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब एक फंदा एज स्टिच, इसको सीधा बुनना है। फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो, सेकेंड रो ये रॉन्ग साइड, एक फंदा स्लिप करना है। फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा पीछे, 3 फंदा सीधा बुनना है, 1 2 3। अब धागा आगे करना है। अब 2 फंदा उल्टा बुनना है, 1 एनवर किया फंदा को उल्टा बुनना है से 2। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है। स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है। 3 फंदा सीधा, 1 2 3। फिर 2 फंदा उल्टा, 1 2। फिर से एक बार रिपीट करना है। धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। फिर धागा आगे, अब 2 फंदा उल्टा, 1 2। यहाँ तक 2 बार ही रिपीट हुआ है। फिर से एक बार रिपीट करना है। यहाँ पर धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। अब धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2। यहाँ तक 3 बार रिपीट हुआ है। इसलिए फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में 4 फंदा बचेगा। इस 4 फंदा को धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। अब एक एज स्टिच, एक फंदा को उल्टा। सेकेंड रो कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो, थर्ड रो ये राइट साइड, सॉरी स्लिप करना है। अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब धागा पीछे करना है, 2 फंदा सीधा बुनना है, 1 2। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है। आपको ये रिपीट करना है। स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है। 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। फिर 2 फंदा सीधा, 1 2।
फिर से एक बार रिपीट करना है, धागा के तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर धागा पीछे, अब दो फंदा सीधा, एक दो। अब एक बार लास्ट रिपीट करना है, धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर धागा पीछे दो फंदा सीधा, एक दो। यहाँ तक तीन बार रिपीट हुआ है, इसलिए फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में आपको ये चार फंदा बचेगा, इस चार फंदा को लास्ट में आपको ये चार फंदा बचेगा, इस चार फंदा को आपको धागा आगे तीन फंदा उल्टा बुनना है, एक दो तीन, फिर एक फंदा एज स्टिच इसको सीधा बुनना है। थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है, अब फोर्थ रो। फोर रो रॉन्ग साइड, एक फंदा स्लिप करना है, फिर धागा पीछे, यहाँ से आप रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, अब धागा आगे करना है, दो फंदा उल्टा बुनना है, एक दो। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है, इसलिए फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, दो फंदा उल्टा, एक दो। फिर से रिपीट करना है, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो। फिर से रिपीट करना है एक बार लास्ट, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो। यहाँ तक तीन बार रिपीट हुआ है, इसलिए फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में चार फंदा बचेगा, इस चार फंदा को धागे पीछे, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर लास्ट का एक एज स्टिच, एक फंदा को उल्टा। फोर रो कंप्लीट कर लिया है, अब फिफ्थ रो। फिफ्थ रो राइट साइड, एक फंदा स्लिप करना है, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, अब धागा पीछे करना है, अब ये दो फंदों को, एक दो, इस दो फंदों को सीधे से एक फंदा बनाना है, इस दो फंदों को एक फंदा बनाना है, ऐसे आपको ये रिपीट करना है, इसलिए फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से। फिर से एक बार रिपीट करना है, धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, अब धागा पीछे, अब दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से। अब लास्ट एक बार रिपीट करना है, धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर धागा पीछे, दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से। यहाँ तक तीन बार रिपीट हुआ है, इसलिए फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, इस तीन फंदों को धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर धागा पीछे, लास्ट का एक एज स्टिच, एक फंदा को सीधा। फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया है, अब सिक्स रो। सिक्स रो रॉन्ग साइड, एक फंदा स्लिप करना है, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, अब धागा आगे, अब एक फंदा उल्टा। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, इसलिए फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा, सॉरी एक फंदा उल्टा लास्ट में। फिर से रिपीट करना है, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा। अब एक बार लास्ट रिपीट है, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन,
धागा आगे एक फंदा उल्टा। यहाँ तक तीन बार रिपीट हुआ है, इसलिए फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में आपको ये चार फंदा बचेगा, इस चार फंदा को धागा पीछे तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर धागा आगे लास्ट का एक एज स्टिच एक फंदा को उल्टा। सिक्स रो कंप्लीट कर लिया है, अब सेवन रो। सेवन रो राइट साइड एक फंदा स्लिप करना है, फिर एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। फर्स्ट में आपको एन ओवर एक फंदा सीधा करना है, धागा पीछे एन ओवर एक फंदा सीधा। अब धागा आगे करना है, अब तीन फंदा उल्टा बुनना है, एक दो तीन। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है बार बार। स्लिप फंदा को छोड़कर सॉरी दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है एन ओवर एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। फिर से रिपीट करना है, धागा पीछे एन ओवर एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, आपको फिर यहाँ पर फिर एक बार रिपीट करना है। लास्ट रिपीट, धागा पीछे एन ओवर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, आपके रिपीट सॉरी तीन बार रिपीट हुआ है। एक फंदो इस दो फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, इस तीन फंदों को धागा पीछे एन ओवर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लास्ट में दो फंदा उल्टा बुनना है, एक दो। सेवन रो कंप्लीट कर लिया है, अब एट रो। एट रो में आपको ए एक फंदा स्लिप करना है ए रॉन्ग साइड, फिर एक फंदा सीधा। अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है इस दो फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है। दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। फिर से रिपीट करना है, यहाँ पर धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब लास्ट रिपीट एक बार करना है, धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है सॉरी तीन बार रिपीट हुआ है इस दो फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में आपको ये चार फंदा बचेगा, इस चार फंदों को धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर दो फंदा सीधा, एक दो। एट रो कंप्लीट कर लिया है, अब नाइन्थ रो। नाइन रो ए राइट साइड एक फंदा स्लिप करना है, फिर एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा पीछे दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। इस दो फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है। दो फंदा सीधा, एक दो, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन।
फिर से रिपीट करना है, धागा पीछे दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। फिर से अब एक बार लास्ट रिपीट करना है, धागा पीछे दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। यहाँ तक तीन बार रिपीट हुआ है, दो फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में आपको ये चार फंदा बचेगा, इस चार फंदों को धागा पीछे दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो। नाइन्थ रो कंप्लीट कर लिया है, अब टेंथ रो। टेंथ रो रॉन्ग साइड एक फंदा स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा। अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो, अब तीन फंदा सीधा, धागा पीछे, एक दो तीन। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, इस दो फंदे को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। फिर से रिपीट करना है, धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब लास्ट एक बार रिपीट करना है, धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो, सर दो फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। यहाँ तक तीन बार रिपीट हुआ है, दो फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपके रिपीट करना है बार बार। लास्ट में आपको ये चार फंदा बचेगा, इस चार फंदा को धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर दो फंदा सीधा, धागा पीछे, एक दो। टेंथ रो कंप्लीट कर लिया है, अब इलेवेंथ रो। इलेवेंथ रो ए राइट साइड एक फंदा स्लिप करना है, अब एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे, इस दो फंदों को एक दो, इस दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से। अब धागा आगे करना है, अब तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। इस दो फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है, दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। फिर से एक बार रिपीट करना है, धागा पीछे दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से, फिर धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। अब एक लास्ट बार रिपीट करना है, धागा पीछे दो फंदों को एक फंदा बनाना है, फिर धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। इस दो फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में आपको ये चार फंदा बचेगा, धागा पीछे, इस दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से, फिर दो फंदा उल्टा, धागा आगे, एक दो। इलेवेंथ रो कंप्लीट कर लिया है, अब ट्वेल्थ रो। ट्वेल्थ रो ए रॉन्ग साइड ए लास्ट रो, एक फंदा स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा। अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे एक फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा बुनना है, धागा पीछे, एक दो तीन। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, इस दो फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। फिर से एक बार रिपीट, धागा आगे एक फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन।
दो बार रिपीट हुआ है। अब एक लास्ट रिपीट, धागा आगे एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। लास्ट में आपको यहाँ तक, सॉरी इस दो फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो बार तीन बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में आपको ये तीन फंदा बचेगा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, एक दो। ट्वेल्व रो कंप्लीट कर लिया है, लास्ट रो देखिए। ट्वेल्व रो में आपको ऐसा डिजाइन आएगा, आपको वन से ट्वेल्व रो तक रिपीट करना है। फिर से आपको यहाँ से राइट साइड से रो वन से स्टार्ट करना है, फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।